और सीधे आपको लिए चलेंगे इंदिरा गांधी स्टेडियम, जहां पर आज फिट इंडिया अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। आज खेल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। खेल दिवस के तौर पर आज का दिन मनाया जा रहा है और आज ही के दिन को चुना गया है फिट इंडिया अभियान के लॉन्च के लिए। इसका मकसद देश में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। खास बात यह है कि सरकार इसे स्वच्छता अभियान की तर्ज पर आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान की शुरुआत दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से करेंगे। वहां पर वो पहुंच चुके हैं। कई मंत्रालयों के तालमेल से ये अभियान चलेगा। फिट इंडिया अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रालयों को आपस में तालमेल बनाकर काम करने के लिए कहा है। इनमें जो मंत्रालय शामिल है वो आपको बता दें, खेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पंचायती राज और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय, और ये मंत्रालय अपने अपने स्तर पर कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मंच पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर इंदिरा गांधी स्टेडियम को चुना गया है, जहां से फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होगी। और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर लोगों को संबोधित कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने सपना देखा है, क्या विजन है उनका इस मूवमेंट को लेकर फिट इंडिया। और हमेशा से ही प्रधानमंत्री की ये पहल रही है और उनका ये सपना रहा है कि देश भर में हर नागरिक को जागरूक किया जाए फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या है तयशुदा कार्यक्रम, किस तरह से आज फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की जाएगी और कैसे इस प्रोग्राम के विजन के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे? देखिए बिल्कुल नेहा, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है स्पोर्ट्स डे के दिन जो है वो फिट इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। और ये फिट इंडिया प्रोग्राम ना सिर्फ खिलाड़ियों के लिए है बल्कि देश के सभी लोगों को वो प्रेरित करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे फिट रहना कितना जरूरी है आज के दौर में। और इसीलिए ये प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लॉन्च जरूर करेंगे, लेकिन उसके बाद तमाम क्षेत्रों के जो सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो फिल्म स्टार हो, स्पोर्ट्समैन हो, उद्योगपति हो या अन्य फील्ड के जो कह सकते हैं प्रमुख लोग हैं, ख्याति प्राप्त लोग हैं, वो इस प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे और इनके लिए कमेटीज बनाई जाएंगी। HRD मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, ये तमाम मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत ये प्रोग्राम चलाया जाएगा और ये कहा जाएगा कि फिट रहना कितना जरूरी है। और आज के दिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लॉन्च करें तो एक बहुत बड़ी बात है। आप देखिए पिछली सरकार में, मोदी सरकार में आपने एक वीडियो देखा होगा, उस टाइम पे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे राजवर्धन सिंह राठौर, उन्होंने हम फिट तो इंडिया फिट नाम से एक वीडियो लॉन्च किया था और उसके बाद तमाम सेलिब्रिटीज से लेकर तमाम नेताओं और मंत्रियों ने उसको लेकर ट्वीट भी किए थे और अपने अपने वीडियो डाले थे कि किस तरीके से वो जो है एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन ये फिट इंडिया जो प्रोग्राम है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि देश को फिट रखने की जो स्वास्थ्य को लेकर वो है अवेयरनेस को फैलाएंगे के कार्यक्रम चालू होंगे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत इंदिरा गांधी तालकोटरा स्टेडियम से कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो है स्टेडियम के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और तमाम लोगों का की तरफ से जो वेलकम किया गया है उसका शुक्रिया अदा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी किया जा रहा है। हिमांशु, आपके पास लौटेंगे, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। तो हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता।